सरदार भगवंत सिंह मान जी ने मता पेश किया। मैं इस मते की प्रोड़ता कर दाँगा। 1966 जो पुनर्गठन एक्ट बनिया सीगा तो उस समय पंजाब का हिस्सा 60% से चंडीगढ़ और हरियाणे का 40% सीगा। और सरकार समय समय से बन दिया रही, चाहे अकाली दल बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, पर लेकिन किसी भी सरकार ने कोई भी आदमी का लगातार बीजेपी जो हिस्सा करता गया, लगातार यूनिवर्सिटी जो हिस्सा करता गया, जिन्या भी इंस्टीट्यूशन सीगिया, जिन्या भी संस्थावान सीगिया, सारे जो हिस्सा करता गया, पर लेकिन लगातार बोली बोलदिया रही। जो केंद्र दे विच कांग्रेस पार्टी की सरकार होंदी सीगी उस समय भी राज्यां दे अधिकारां दे डाका पैंदा सीगा। जो केंद्र दे विच बीजेपी की सरकार आ उस समय भी पंजाब दे उत्तर डाका पिया गा, दिल्ली दे उपर डाका पिया गा। तुहानूं पता गा कि किस तरह केजरीवाल साहब उपर हमला होया गा। उस हमले की निंदा करदे आ कि लगातार केंद्र सरकार जिहड़ा हैगा पंजाब दे अधिकारां ते डाके मार रहा गा। स्पीकर साहब मान साहब ने जो देश की पार्लीमेंट के दे लगातार पंजाब के मुद्दों की आवाज बुलंद की, चाहे पानिया की गल सी, हरेक इशू, हरेक मसले, चाहे कोई भी मामला पंजाब का आता सगा, सारे मैंबर पार्लीमेंट लगभग 20 मैंबर पार्लीमेंट चुन के देश की पार्लीमेंट जाते हैं। 7 राज्यसभा तो 13 लोकसभा तो और 19 मैंबर पार्लीमेंट मैं समझदा चुप करके बैठे होंगे। सरदार भगवंत सिंह मान कले देश के प्रधानमंत्री सामने गज के बोलते देश के प्रधानमंत्री घेरते। प्लीज बाजवा साहब सुन लो, पूरा टाइम मिलेगा बाजवा जी, पूरा कर लें। स्पीकर साहब तीन काले कानून बना के केंद्र की सरकार ने पंजाब के किसानों पे हमला बोलिया, पंजाब के राज्य जो भी जेल की इजाजत तो बिना बोले गया रिकॉर्ड ना किया जाए। जेड़ा विषय स्टेट का सीगा, जिस विषय के ऊपर स्टेट ने कानून बनाना सीगा, उस विषय के ऊपर बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया। बिल्कुल उस विषय के ऊपर बीजेपी की सरकार ने कानून बनाया। तुसी स्पीकर साहब बाजवा जी, तुहानू क्षमा, अगले स्पीकर तुसी हो। गल पूरी कर लैन दिओ, गल पूरी, तुहाडा लीडर ऑफ ओपोजिशन दसो कौन है, पेंडू विकास फंड की गल आउंदी आ। जदों पेंडू विकास फंड की गल आउंदी आ, केंद्र सरकार ने साडा पेंडू विकास फंड जी, एक मिनट बैठो बाजवा जी, बैठो मंत्री जी। मैं हाउस को बेनती करता कि शांति बना के रखिए। मंत्री जी मैं हाउस को बेनती करता, मैं हुणे गल कर, बाजवा साहब तुसी पॉइंट नोट करो, तुसी जवाब देना है, यू हैव एम्पल टाइम। बाजवा जी तुहाडे अगले स्पीकर तुसी हो, अगले स्पीकर तुसी हो। सीएम साहब बाजवा साहब सुनो, लीडर ऑफ हाउस खड़े हैं, कृपा करके सारे सुनो।
लीडर ऑफ हाउस में चीमा साहब तो बाद बाजवा जी तैयार रहे, सरदार प्रताप सिंह जी बाजवा तैयार रहे चीमा साहब तो बाद, चीमा साहब तो बाद बाजवा जी तुम आपके पॉइंट नोट कर लो, मारे को पूरा टाइम है मानयोग स्पीकर साहब पूरा टाइम पूरा वो जवाब देंगे बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे बह जाओ रामनाथ जी बदमाशी हूं नहीं चलनी है जी। मैं पाशा से बाजवा साहब इधर मुकाबला लाइव डेकोरम बना के रखो, पंजाब की जनता सारे मानयोग मेंबरों को देख रही है सुन रही है। मानयोग स्पीकर साहब पंजाब का पेंडू विकास फंड रोक के केंद्र सरकार ने पंजाब से हमला किया गा, पर हो क्या क्या वा साडी बांह मरोड़न का पंजाब का मौका किने दिता गा, इन्हां लोगों ने दिता गा, साडा पंजाब का पेंडू विकास फंड इन्होंने महसूस किया गा, इन्हों कांग्रेसिया ने महसूस किया, इन्हों अकाली दल बीजेपी ने महसूस किया, केंद्र सरकार को मौका मिले कि साड़ी बांह मरोड़ी आ साडा पेंडू विकास फंड रोकया गया। सर जी गल केयर की इजाजत तो बिना कही जा रही रिकॉर्ड ना की जाए, जो कानून बाबा साहब भीम राव अंबेडकर जी ने बनाया सीगा उस कानून को तोड़न का यतन केंद्र दी सरकारां लगातार करदियां रहियां नेगियां। सो मैं इस मते की प्रोड़ता करदांगा और केंद्र सरकार के इन्हों हुक्मां दी जिहड़ी आ निंदा करदांगा और इस मते दे नाल खड़ांगा। धन्यवाद जी। मानयोग मैंबर साहिबां नूं मैं बेनती करदा, बाजवा जी हुण तुसीं बोलोगे, मैं बेनती करदा कि लीडर ऑफ द हाउस ने बड़ी वधिया पहल की सी कि इस